हाय गाइस, वंस अगेन अ वेरी फैबुलस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. दिस इज कृष्णा बारदे एंड टुडे वी आर इन द 11th सेशन ऑफ दिस 45 डेज क्रैश कोर्स. दोस्तों, आज बहुत ही लाजवाब टॉपिक है और आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए एक व्हाट वी कैन से, आप ये मान लीजिए कि एक पिलर आप तैयार करेंगे और इसकी मदद से आप अपनी जो बड़ी कंस्ट्रक्शन है, एक बिल्डिंग है आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन की, उसको आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे. अर्थात यह सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में, सेंटेंस बिल्डिंग में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है. आप जैसा देख पा रहे होंगे कि आज हम डू और डस की बात करेंगे. बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वी कैन से इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन. इसके बिना इंग्लिश बोल पाना असंभव. कोई भी कितना भी अच्छा स्पीकर हो या कोई भी बिगिनर हो, उन सभी के लिए इस टॉपिक पर कमांड होनी ज़रूरी है. तो आप इस वीडियो में हमारे साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहेंगे और आज आप मिलेंगे योगिता सिसोदिया से एंड सी इज़ एक्सपर्ट इन द यूज़ ऑफ डू एंड डस एंड सी विल हेल्प यू टू बूस्ट अप योर कम्युनिकेशन. ओके, सो आई होप दैट यू विल वॉच दिस वीडियो सिंस बिगिनिंग टू एंड एंड यू विल लर्न ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं आपको बता दूं कि ये जो डू एंड डज है, ये हमारे कम्युनिकेशन में कई तरह के सेंटेंसेस को बनाने में मदद करता है. और आज इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये पूरे चारों पांचों फॉर्मेट बताने वाला हूँ, जिनकी मदद से आप अपने कम्युनिकेशन को एक नया जंप देंगे. अभी तक अगर आप टूटी फूटी इंग्लिश बोल पाते या आप इंग्लिश नहीं भी बोल पाते, तो इस टॉपिक की मदद से आप सुपर आपकी इंग्लिश को एक नया जंप देंगे, आई एम श्योर. ओके, बी विद मी सिंस बिगिनिंग टू एंड. फटाफट लाइक कर दीजिए. ओके, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, पुश द बेल आइकॉन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन एन्जॉय ऑल्सो लर्निंग. ओके, सो लेट्स कम फ्रेंड्स. आज हम बात कर रहे हैं डू और डज की. डू और डज, ओके, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल प्रेजेंट. ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इट इज़ कॉल्ड द सहायक क्रिया. तो ये सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है. एज अ न्यू लर्नर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा सजेशन है कि जो भी ग्रामर के रूल है, ये कहीं भी यूज़ नहीं होते. इनका एक पर्टिकुलर यूज है कि दे आर यूज इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ओनली. मतलब जिस चीज़ के लिए इनको पढ़ा जा रहा है, इनका यूज़ बस उसी कंडीशन या उसी स्थिति में होगा. अर्थात डू और डज का यूज़ आप हमेशा ही किसके साथ करेंगे? सिंपल प्रेजेंट. इसके अलावा और कोई टेंस के साथ इसका यूज़ नहीं होगा, ना ही और किसी सिचुएशन के साथ. ओके, सी कैसे यूज़ करते हैं. सो डू एंड डज जो है वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है. और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कैसे होता है? तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ आप, हो सकता है कि कोई अफर्मेटिव सेंटेंस आप बिना हेल्पिंग वर्ब के बना ले, परंतु जब भी कोई आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कल्पना करते हैं या उसको बोलने का प्रयास करते हैं, सो दैट विल ऑलवेज टेक द हेल्पिंग वर्ब. अर्थात किसी भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनाया जा सकता, और यदि बनाया है तो वो आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो ये जो सिंपल प्रेजेंट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है. एक बार सिंपल प्रेजेंट को आप रिमाइंड कर लीजिए कि कोई भी ऐसा हिंदी स्टेटमेंट जो ता है, ती है, ते है, ताहूं पर एंड होता है, जो कोई रेगुलरिटी, रूटीन या टाइम टेबल के बारे में या प्रीडिफाइंड कोई सिचुएशन है उसको डिफाइन करने वाले जो सेंटेंस होते हैं, उसके साथ ही इसका यूज़ होगा. ध्यान से देखिए कि कोई भी ऐसा हिंदी स्टेटमेंट जो कि नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो और वो सिंपल प्रेजेंट का हो, अर्थात ता है, ती है, ते है पर ही एंड हो रहा है, तो उसमें हम डू और डज का यूज़ करेंगे. अब इस कॉन्सेप्ट को यू लर्न करना है कि डू और डज का यूज़ कहाँ होगा, क्योंकि ये दो अलग अलग एंटिटी है, एक ही नहीं है, तो इनका यूज़ अलग अलग होगा. तो हम समझते हैं कि ये पॉइंट आपको भूलना नहीं कि डज इट विल ऑलवेज कम विद द सिंगुलर सब्जेक्ट. अर्थात यदि आपका स्टेटमेंट सिंपल प्रेजेंट का है और यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसी में आप डज का यूज़ करेंगे. और एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नेम जो होता है, दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट. ओके, तो उसके साथ ही आप डज का यूज़ करेंगे. और जो डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा. अर्थात जब भी हम आई वी यू दे की बात करेंगे तभी आप डू का यूज़ करेंगे. पर एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है कि डू और डज के साथ हमेशा ही वी वन का यूज़ होगा. मतलब भले ही आप
डू का यूज़ करें या डस का यूज़ करें, दोनों ही कंडीशन में आप किसका यूज़ करेंगे? वी वन का। अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको वी वन और वी वन प्लस एस सी एस आई एस का यूज़ बताया था, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको डू और डस दोनों ही हेल्पिंग वर्ब के साथ वी वन का यूज़ करें। अब हम बात करते हैं कि इसकी मदद से हम किस किस तरह के सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो यदि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस नेगेटिव है, अर्थात वह नहीं जाता है, वह नहीं उठता है, वह नहीं बैठता है, वह मेरे साथ नहीं पढ़ता है, तो ऐसे स्टेटमेंट को आप सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंने कंट्रास्ट यहाँ लिख दिया है किसका, कॉन्ट्रेक्शन डू नॉट और डज नॉट का, डोंट है डजंट। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप चूज करेंगे डू का यूज़ करना है या डज का यूज। अगर आपका कोई हिंदी स्टेटमेंट जो क्या से बिगिन हो रहा है, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सो उसको बनाने का ये फॉर्मेट है, डू डज से बिगिन होगा, सब्जेक्ट लगेगा उसके तुरंत बाद, आप वी वन का यूज़ करेंगे, देन यू पुट द ऑब्जेक्ट। जैसे हमको बोलना है कि भाई क्या आप चाय पीते हैं, डू यू टेक टी, ओके, क्या आप रोज़ मिरेकल आते हैं, डू यू कम टू मिरेकल डेली, क्या आप हर वीडियो को लाइक करते हैं, सो डू यू लाइक एवरी वीडियो। सो इन दैट कंडीशन यू कैन यूज़ डू और डस से सेंटेंस बिगिन होगा। इसमें कभी कभी आपको ऐसे सेंटेंस देखने को मिलेंगे जिसमें क्या और नहीं भी हो, मतलब जब एक बार बात कन्फर्म नहीं होगी तो आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर जाना होगा, और ऐसे सेंटेंस को बनाने का फंडा डू डस से बिगिन कीजिए, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाइए, फिर आप नॉट का यूज़ करेंगे, वी वन का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। वन मोर थिंग दैट यू कीप इन द माइंड कि आप अगर चाहे तो डू और डस को मतलब इसी में आप नॉट जोड़कर इससे भी बिगिन कर सकते हैं, डोंट या डजंट से आप सेंटेंस बिगिन कर दीजिए, सब्जेक्ट लगा दीजिए और नॉट की जगह, चूंकि आप नॉट पहले ला चुके हो तो यहाँ पर नॉट अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, देन वी वन देन ऑब्जेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि जब आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछना है, अभी ये जो आपने क्वेश्चन पूछे दैट इज़ ओनली फॉर कन्फर्मेशन, किसके लिए आपने पूछे, कन्फर्मेशन के लिए, पर जब आप कोई डिटेल जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, डिटेल, तो आपको डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन की हेल्प लेनी होगी, और ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए योर सेंटेंस विल बिगिन बाय डब्ल्यू एच वर्ड, मतलब जो क्वेश्चन वर्ड आया है उससे आप बिगिन करेंगे, फिर आप उसमें डू डज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब पहले इमेजिन करना है कि सब्जेक्ट क्या है, उसके हिसाब से आप डू डज पुट करेंगे, देन वी वन देन ऑब्जेक्ट। सो आई थिंक द फॉर्मेटिंग इज क्लियर। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ और बस आप इगरली वेट कीजिए प्रैक्टिस करने का, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो आपको प्रैक्टिस भी करना है, और योगिता आपकी हेल्प करेगी आपकी प्रैक्टिस कराने में, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम बोले कि वह यहाँ रोज़ नहीं आता है, वह यहाँ रोज़ नहीं आता है, तो क्या बनेगा, ही डज नॉट कम हियर डेली, ही डजेंट कम हियर डेली। एक और स्टेटमेंट है, इंट्रोगेटिव लिया है हमने कि क्या आप इसी कॉलेज में पढ़ते हो, डू यू स्टडी इन दिस कॉलेज, ओके, क्या आप इसी कॉलेज में पढ़ते हो, डू यू स्टडी इन दिस कॉलेज, ओके, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इसका यस नो में आप आंसर कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या वह आपको नहीं जानता है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, तो हमने बोला डज ही नॉट नो यू, क्या वह आपको नहीं जानता है, डज ही नॉट नो यू, यस में आंसर कर सकते हैं, यस ही डजंट नो मी, ओके। एक जो इसके बाद का सेंटेंस है वो हमने डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन लिया कि आप यहाँ क्यों आते हो, आप यहाँ क्यों आते हो, वाई डू यू कम हियर, तो आप कोई भी रीज़न बता सकते हैं कि आप क्यों यहाँ क्यों आते हो, वाई डू यू कम हियर, ओके। अगला क्वेश्चन है कि वह मेरे बारे में क्या कहता है, वॉट डज ही से अबाउट मी, वह मेरे बारे में क्या कहता है, वॉट डज ही से अबाउट मी, सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। अगला डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन है, आपको दूसरों की मदद करके क्या मिलता है, हम बोलते हैं ना आप हमेशा दूसरों की मदद करते हो, इससे आपको क्या मिलता है, सो वॉट डू यू गेट टू हेल्प अदर्स, वॉट डू यू गेट टू हेल्प अदर्स, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वॉट डू यू गेट बाई हेल्पिंग अदर्स। आई थिंक फ्रेंड्स आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारे इस वीडियो में अभी हमारे साथ बने रहिए, सो दैट वी कैन गो फॉर प्रैक्टिस। हाय योगिता, हाउ आर यू? आई एम फाइन। फीलिंग कंफर्टेबल? यस सर। रेडी? यस। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, कोई इशू तो नहीं? ओके, डू डज पढ़ेंगे आपसे आज, ठीक है। सो फ्रेंड्स देखिए, आपको कॉन्सेप्ट तो हमने क्लियर करा दिया, पर देखिए कॉन्सेप्ट तो आप बचपन से क्लियर करते आ रहे हो, एक बार खुद से पूछ लीजिए कि हमारा इंग्लिश का क्या लेवल है। प्रैक्टिस की कमी है, वो हम दूर करते हैं, हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, हम जो सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे वो आप भी अपने लेवल पर प्रैक्टिस कीजिए, एंड यू कैन डेवलप, ओके। चलिए, आज हमने डू और डज पढ़ा, आप थोड़ा सा डू को डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट आर डू एंड डज। डू का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव और अफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है,
डू का यूज सिंगुलर्स के साथ होता है, प्लूरल डस का यूज प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ, और डू का यूज प्लूरल के साथ। ठीक है, चलिए। ओके आई विल आस्क यू, ओके क्या आप रोज पढ़ाई करते हैं? डू यू रीड डेली? ओके डू यू रीड डेली, यहाँ पर हम स्टडी का भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछता कि क्या आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? Do you read newspaper daily? Yes, मैं आंसर कीजिए। Yes, I read newspaper daily. No, मैं आंसर कीजिए। No, I not read newspaper daily. Okay, no, I don't read newspaper daily. Okay, क्या आप भगवान में बिलीव करते हो? Do you believe in God? Yes, मैं आंसर कीजिए। Yes, I believe in God. No. No, I don't believe in God. Okay. क्या आपको कॉफी पीना अच्छा लगता है? Do you like tea coffee? To take coffee. Do you like to take coffee? हाँ मुझे कॉफी पीना अच्छा लगता है। Yes, I like to take coffee. Okay, वह किसी की नहीं सुनता है। He doesn't listen anyone. Okay, मुझे कार चलाना नहीं आता है। I don't know to drive a car. मुझे खाना पकाना नहीं आता है। I don't know to cook food. Okay, लोग सच्चाई नहीं जानते। People do not know the truth. Okay, people don't know the truth. क्या आप strangers पर भरोसा करते हैं? Do you believe in strangers? Okay, do you believe on strangers? Okay, do you believe on strangers? Okay, क्या आप रोज मेरे घर आते हैं? Do you come daily miracle? Okay, do you come miracle daily? Okay, क्या आप शाम को exercise करते हैं? Do you exercise in the evening? Okay, do you exercise daily in the evening? Okay, क्या आप cricket नहीं खेलते हो? Do you not play cricket? Okay, do you not play cricket? Okay, क्या आप दूसरों की मदद नहीं करते? Do you not help others? Okay, क्या आप क्लास रोज नहीं आते? Do you not attend daily class? Okay, do you not attend class daily? Okay, आप क्या करते हो? What do you do? Okay, आप कहाँ पढ़ते हो? Where do you study? Okay, आप क्या करना पसंद करते हैं? What do you like to do? Okay, what do you like to do? आप miracle कैसे आते हैं? How do you come to miracle? किस आप miracle में किस batch में आते हैं? In which batch do you come to miracle? Okay, in which batch do you come to miracle? Okay, आप miracle में क्या सीखते हो? What do you learn in miracle? Okay, आप वहाँ क्यों नहीं जाते? Why don't you go there? Okay, आपको कौन सा हीरो अच्छा लगता है? Which hero do you like most? Okay, which hero or which actor do you like most? आप किस तरह के गाने सुनते हैं? In which type do you listening music? किस तरह की को क्या कहेंगे? What kind of music do you listen? Okay, what kind of songs do you listen? अच्छा, आप सुबह कितने बजे उठते हैं? At what time do you wake up? In the morning. Okay, आप miracle से जाने के बाद क्या करते हैं? What do you do after going from miracle? Okay, आप भगवान पर भरोसा क्यों करते हैं? Why do you believe in God? Okay, why do you believe in God? Okay, आप शाम को कहाँ जाते हैं? Where do you go in the evening? Okay, where do you go in the evening? आप सबसे ज्यादा भरोसा किस पर करते हैं? Whom? Whom do you believe the most? Okay. आप usually सब्जियाँ कहाँ से खरीदते हैं? Where do you
बाय वेजिटेबल्स। वेयर डू यू यूजुअली बाय वेजिटेबल्स? ओके, आपको इंग्लिश पढ़ना कैसा लगता है? हाउ डू यू लर्न एनी? आपको इंग्लिश पढ़ना कैसा लगता है? हाउ डू यू लाइक टू लर्न इंग्लिश? या इसको हम कैसे बोलेंगे, हाउ डू यू लाइक लर्निंग इंग्लिश? ओके, क्या आपको क्लास में कंफर्टेबल फील होता है? डू यू फील कंफर्टेबल इन द क्लास? ओके, आप सारे व्यूअर से क्या कहना चाहते हैं? What do you like to say, all the viewers? Okay, so thank you. Nice, you have discussed very nicely. Just share your, अगर आप कुछ कहना चाहते हो हमारे व्यूअर से, so your opinions are open. कोई मैसेज देना चाहते हैं? No, sir. Okay, बिल्कुल नहीं बोलोगे कि चैनल को फॉलो कीजिए? आपने इतनी मेहनत की, आप नहीं कहोगे कि भाई इस वीडियो को लाइक कर दे? Please like and subscribe this video. Okay, chaliye, thank you friends. See you in the next video.